दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेला गया मैच सबसे रोमांचक पहला T20 मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ग्वालियर के मैदान पर बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर टूटा है अर्शदीप और वरुण चक्रवर्ती का कहर तो मयंक यादव ने अपनी रफ्तार का मचाया ऐसा कहर, हम बांग्लादेशी बल्लेबाजों को रुला दिए खून के आंसू। तो आखिर कैसे भारत की कातिलाना गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश की बैटिंग क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया? किस गेंदबाज ने छटकाए सबसे अधिक विकेट? रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक मुकाबले में ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई? उसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले अर्शदीप सिंह, मयंक यादव और जसप्रीत बुमराह में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश को 2-0 से रौंदने के बाद अब 3 मैचों की T20 सीरीज का धमाकेदार बिगुल बज चुका है, जहां ग्वालियर के न्यू माधव राव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में जब दोनों चिर प्रतिद्वंदी टीमें पहले T20 मैच के लिए आमने सामने आई तब इस बार सिक्का भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर पहले मेहमान बांग्लादेश को बैटिंग करने का न्योता दिया, जहां टीम इंडिया की तरफ से आज 2 धुरंधरों मयंक यादव और रितेश रेड्डी को डेब्यू कैप सौंपी गई और नेशनल एंथम के बाद पूरा मैदान सज गया एक जबरदस्त घमासान के लिए। इस रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को तूफानी शुरुआत दिलाने दो ओपनर्स के रूप में परवेज हुसैन ईमान के साथ दास की बेहद खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी और केवल चौथी गेंद पर अर्शदीप को निशाना बनाते हुए लिटन ने पॉइंट को चीरते हुए चौका बटोर कर अपने तेवर टीम इंडिया को दिखा दिए थे, लेकिन ये उन्हें कितना भारी पड़ने वाला था शायद उन्हें पता भी नहीं था। उन्होंने अर्शदीप के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई तो इस जाबाज ने अगली ही गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए लिटन दास को अपने जाल में फंसाया। एक बार फिर बड़ा चौका लगाने के चक्कर में लिटन गलती कर बैठे, गेंद हवा में चली गई और बड़ी ही आसानी से रिंकू सिंह ने कैच लपक कर लिटन दास को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जहां लिटन इस मैच में केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अर्शदीप ने भारत को एक बड़ी सफलता दिला दी। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में खुद कप्तान नजमुल हुसैन शांतू मोर्चा संभालने के लिए आए थे, लेकिन दूसरी तरफ इमाम तो सर पर कफन बांध कर आए थे। तभी तो दूसरा ओवर लेकर आए हार्दिक की दूसरी गेंद पर उन्होंने अपने फ्लिक शॉट से बाउंड्री पार तूफानी छक्का बटोर कर भारत के विकेट की खुशियों को मातम में बदल दिया था। हालांकि उसके बावजूद हार्दिक पांड्या ने तगड़ी वापसी करी और अगली 4 गेंद पर मुश्किल से ये बल्लेबाज केवल 1 रन बना पाया, जिसकी वजह से 2 ओवर में बांग्लादेश केवल 14 रन बना पाई थी। लेकिन दोस्तों, अर्शदीप तो आज केवल अकेले ही पूरी बांग्लादेश को समेटने के इरादे से आए थे। तभी तो तीसरे ओवर में आते ही उन्होंने पहली गेंद पर खतरनाक लग रहे परवेज हुसैन ईमान को क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेशी खेमे में हाहाकार मचा दिया था, जहां अर्शदीप की घातक गेंद उनके बल्ले का भीतरी किनारा लेकर सीधा उनके विकेटों पर जा लगी और टीम इंडिया को दूसरी सफलता मिल गई, जहां ये खिलाड़ी अपनी टीम के लिए केवल 8 रन बनाकर वापस लौट गया और टीम इंडिया ने पूरी तरीके से मैच में शिकंजा कस लिया था। बांग्लादेश ताश के पत्तों की तरह बिखरती जा रही थी, ऐसे में अब अपनी टीम को संभालने के लिए कप्तान संतो का साथ निभाने के लिए तौहीद हिरदौई मैदान में आ चुके थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की आग उगलती हुई गेंद का सामना करना उनके लिए भी आसान कहां था। 3 ओवर में मुश्किल से बांग्लादेश केवल 16 रनों तक पहुंच पाई थी। अब उन्हें किसी तरीके से अपने रन रेट को बढ़ाना था और अपने इरादों को जाहिर करते हुए कप्तान शांटो ने 4th ओवर में हार्दिक पांड्या का स्वागत एक और खतरनाक चौके से किया, लेकिन हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर अपनी गेंदबाजी से जोरदार वापसी की और 4 ओवर में बांग्लादेश 24 रन बना पाई थी, जो उतना ज्यादा नहीं होता है। साफ तौर पर दिख रहा था कि भारतीय टीम पूरी तरीके से मैच में पकड़ मजबूत कर रही थी। 2 विकेट लेकर टीम इंडिया ने बांग्लादेश की रनों की रफ्तार को पूरी तरीके से रोक लिया था। ऐसे में तभी कप्तान सूर्या ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए 5वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी आक्रमण में इंट्रोड्यूस किया। उन्हें लगा था कि वरुण की फिरकी टीम इंडिया को 1-2 सफलता और दिलवा देगी, लेकिन पहली गेंद पर हिरदौई ने उनका स्वागत चौके से कर उनके अरमानों पर पानी फेर दिया तो दूसरी गेंद को भी हिरदौई ने बाउंड्री के बाहर चौके के लिए मारकर सूर्या के प्लान को ऑलमोस्ट फेल कर दिया था। तो वहीं दोस्तों, इतने में ही उनका मन कहां भरने वाला था, जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान सांटो ने अपना करिश्मा दिखाते हुए रिवर्स स्वीप से तूफानी छक्का बटोर कर इस ओवर को अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया था। इस ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 15 रन बटोर डाले। ऐसे में अब सूर्या ने रफ्तार के सौदागर मयंक यादव को पावर को लेकर आखिरी ओवर में बुला लिया और आते इस खूंखार गेंदबाज ने गेंद नहीं बल्कि आग के गोले बरसाना शुरू किया। पहली गेंद तो तौहीद हिरदौई को दिखाई ही नहीं दी तो दूसरी गेंद पर मुश्किल से ये बल्लेबाज अपना बैट गेंद से टच करवाने में कामयाब हो पाया, लेकिन तीसरी गेंद एक बार फिर इस बल्लेबाज के पल्ले नहीं पड़ी, वो तो केवल मछली की तरह छटपटाते रह गए और गेंद तूफान की तरह निकल गई। तो 4th और 5वीं गेंद पर भी कहानी कुछ बदली नहीं, अपने डेब्यू मैच में ही ये गेंदबाज अपना पहला ओवर मिड एंड डालने के लिए तैयार हो चला था। अभी से उनका खौफ बांग्लादेशी बल्लेबाजों और उनके खेमे में साफ तौर पर देखा जा सकता था। तो दोस्तों, सच में मयंक यादव ने पहला ओवर मिड एंड फेंक कर कमाल ही कर दिया।
शायद वो पहले ऐसे गेंदबाज होंगे जो ये करिश्मा कर पाए हैं, जिसकी बदौलत 6 ओवर में मुश्किल से बांग्लादेश की टीम 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना पाई। तो वहीं गरीबी में आटा गीला 7वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने आते तौहीद हृदय के हार्दिक पांड्या के हाथों में कैच आउट करवा बांग्लादेश के 3 बल्लेबाज घुटने पर ला दिए थे, वो भी केवल 42 रनों पर। और जिस तरीके से भारतीय गेंदबाज बॉलिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश तो शायद मुश्किल से 150 रनों का लक्ष्य भी भारत को न दे पाए। यानी कि टीम इंडिया तो ये मैच ऑलमोस्ट 90% जीत चुकी है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या बांग्लादेश को T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आप भी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 2-0 से टेस्ट सीरीज में कब्जा जमाने के बाद अब भारत और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज का बिगुल बज चुका है। बस कुछ ही समय में शुभारंभ होगा पहले T20 मुकाबले का। 11 भूखे शेरों के साथ मैदान में तबाही मचाने के लिए तैयार है कप्तान सूर्य कुमार यादव। तो आखिर कब और कहां खेला जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच पहला T20 मैच? भारतीय समय अनुसार कितने बजे शुरू होगा मैच? कैसा होगा पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल? ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज को टीम इंडिया ने 2-0 से अपने नाम कर बांग्लादेश के घमंड को चूर चूर कर दिया। दूसरा यानी अंतिम टेस्ट मुकाबला कानपुर के मैदान पर 7 विकेट से भारतीय टीम ने अपने नाम किया। और अब आपको बता दें, इंडिया और बांग्लादेश के बीच रोमांचक T20 सीरीज का आगाज होने वाला है। दोनों टीमों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। टीम में एक से बढ़कर एक खूंखार खिलाड़ी भरे हुए हैं। वैसे भी इतिहास उठाकर देखा जाए तो दोनों टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखा गया है। दोनों टीमों ने एक दूसरे को खूब टक्कर दी है, इसलिए करोड़ों क्रिकेट फैंस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीरीज के स्केड्यूल का ऐलान हो चुका है। BCCI ने स्क्वाड का भी जारी कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाने वाली है, जिसकी तारीख भी अब सामने आ चुकी है। जहां पहला T20 मुकाबला 6 अक्टूबर को ग्वालियर के मैदान पर खेला जाएगा। इसके बाद ये कारवा पहुंचेगा दिल्ली, जहां 9 अक्टूबर को इंडिया और बांग्लादेश अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे T20 मैच में दो हाथ करते हुए नजर आने वाली है। तो फिर अंत में सीरीज का फुल और फाइनल मुकाबला 12 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाने वाला है। और इस T20 सीरीज रोमांच तो अपनी सभी हदों को पार करेगा। इस पूरी सीरीज का लाइव प्रसारण Disney+ हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। वही टीवी स्क्रीन पर आपको स्टार स्पोर्ट्स के चैनल का सहारा लेना पड़ेगा। और ये T20 सीरीज टीम इंडिया किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहेगी। इसी कारण BCCI भी काफी सीरियस अब हो चुका है। जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि श्रीलंका के खिलाफ जब T20 सीरीज हुई थी तो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने बड़े ही आसानी से श्रीलंका को किसी मच्छर की तरह मसल कर रख दिया था। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ शायद चुनौती उतनी आसान नहीं रहे, क्योंकि भारत की पिचेस अलग बर्ताव करती है और बांग्लादेश के पास भी एक से एक धुरंधर खिलाड़ी मौजूद है। ऐसे में BCCI ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव किए हैं। कप्तान तो एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव ही रहने वाले हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या भी भारत की प्लेइंग 11 में रहेंगे। उन्हें उप कप्तान बनाया गया है। इसके अलावा कई नए चेहरों को भी T20 सीरीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब BCCI द्वारा तैयार की गई भारत की स्क्वाड भी हम आपको दिखा देते हैं। तो जहां पहले T20 के लिए ओपनिंग क्रम में हमें संजू सैमसंग के साथ अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आने वाली है। ये दोनों T20 में कितने खतरनाक है ये तो किसी से छिपा नहीं है। तो नंबर 3 के पायदान पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव के बल्ले का जादू हमें देखने को मिलने वाला है। 4थे नंबर पर शिवम दुबे सूर्या का साथ निभाते हुए नजर आने वाले हैं, जिन्होंने पिछले T20 सीरीज में लाजवाब काम किया था। उनके बाद नंबर 5 की पोजीशन पर रिंकू सिंह खेलते हुए नजर आने वाले हैं, जिनके बल्ले का जादू देखने के लिए हर कोई बेकरार है। वहीं नंबर 6 की पोजीशन पर उप कप्तान हार्दिक पांड्या खेलते हुए दिखाई देंगे और अपने बल्ले से जबरदस्त तांडव मचा सकते हैं। तो फिर 7वें और 8वें पायदान पर ऑलराउंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अक्षर पटेल और रियान पराग के मजबूत कंधों पर रहने वाली है, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे दोनों सीरीज में लाजवाब प्रदर्शन किया था। 9वें पायदान पर स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे रवि बिश्नोई, जो भारत के फ्यूचर सुपरस्टार माने जाते हैं। तो फिर पेस डिपार्टमेंट में 10वें और 11वें नंबर पर हर्षित राणा और हर्षदीप सिंह की जोड़ी बांग्लादेशी बल्लेबाजों के लिए यमराज बनती हुई हमें नजर आने वाली है। इसमें दोस्तों, कैसी लगी आपको पहले T20 के लिए भारत की ये प्लेइंग 11? अब आपको क्या लगता है इंडिया और बांग्लादेश में से कौन सी टीम ये T20 सीरीज अपने नाम कर पाएगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।